सो हेलो गाइस, आज हम लोग जानेंगे इस तरह का फ़ोटो एडिट कैसे करते हैं जो कि लाइटरूम ऐप से एडिट करना हम लोग सिखाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल फ़ोटो को ले लेंगे जिसको LR पर एक्सपोज कर लेंगे। चलिए LR पर एक्सपोज हो गया है, हम लोग उस फ़ोटो को ले लेंगे जिस फ़ोटो को एडिट करना है। उसके बाद हम लोग सीधे इस पर आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद हम लोग हाइलाइट्स को -11 कर लेंगे। तो -11 कर लेते हैं और उसके बाद साइडोज को +16 कर लेते हैं और वाइटल्स को +24 के आसपास और ब्लैक्स को -10। तो इतना करने के बाद हम लोग आ जाते हैं कलर पर। कलर पर आ जाएंगे। कलर पर आने के बाद हम लोग रेड के सैचुरेशन को +13 ले लेंगे। हम लोग इसको इसके सैचुरेशन को ले लेंगे +13। और इसको ले लेंगे इसको -14 तक। फिर इसके ह्यू और सैचुरेशन दोनों को -100 कर लेंगे ताकि बैकग्राउंड चेंज हो जाए। बैकग्राउंड एडिट करना है इसे। और उसके बाद ग्रीन को भी हम लोग ह्यू और सैचुरेशन को 100 कर लेंगे ताकि बैकग्राउंड पूरा तरह से ब्लर हो जाए। और उसके बाद हम लोग इसके सैचुरेशन को +12 के आसपास कर लेंगे और उसके बाद इस ह्यू को हम लोग -14 और इसको +11। तो ये हमारा एडिट हो चुका है और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे, इसको हम लोग कर लेते हैं डन। और उसके बाद आ जाएंगे इफ़ेक्ट्स पर। इफ़ेक्ट पर अपने फ़ोटो के अनुसार अपना इफ़ेक्ट लगा लीजिएगा। तो हम लोग इसे लगा ले रहे हैं अपने अनुसार, फ़ोटो के अनुसार। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आ जाएंगे डिटेल्स पर। डिटेल्स पर आने के बाद इसको +21 कर लेंगे और इसको 1.50 तक। और इसको 53 तक।
इसको हम लोग प्लस 8 तक कर लेंगे, डिटेल को छोड़ देंगे और स्मूथनेस को हम लोग बढ़ा लेंगे फ़ोटो के अनुसार। हम लोग बस ये हमारा फ़ोटो एडिट हो चुका है, अब हम लोग इसको गैलरी में सेव कर लेंगे। तो ये देखिए जूम इन जूम आउट करके, तो हम लोग इसको सेव कर लेंगे गैलरी में। शेयर के आइकन पर दबाना है और सेव टू डिवाइस। तो ये हमारा फोटोज कंप्लीट हो गया है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।